भाई बंदे आ रहा है जल्दी मार भाई, और एक बंदे आ रहा है जल्दी मारना, उसको भी मारना ठीक है। अरे भाई मेरा नेट लैग हो गया, मैं क्या करूं। सोया जैसे कि आपने देख लिया मैं गेम में मर गया और मुझे मार के चले गया एनिमी। तो और आपके भी साथ ऐसा हो रहा है ना, आपका भी गेम जो लैग हो रहा है ना, तो भाई उसके लिए मैं हूँ ठीक है। मैं आपको ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा ना जिससे आपका गेम लैग नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपके मोबाइल में सेटिंग है। और मैं आपको तीन टिप्स बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो यार आपको जो गेम है ना लैग नहीं होगा 100%। पहला टिप्स ये है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ठीक है ना, तो यार आपका जो पिंग है ना, जो नीचे दिखता है ना MS, अभी जो मेरा 200 160 है, तो आपको 60 या 70 होना चाहिए, तो ही भाई आपका जो गेम है लैग नहीं होगा। और भाई जैसे कि आपके पास अगर वाईफाई है ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। और भी मतलब इंटरनेट में जो पिंग हाई होता है कभी लो होता है, अगर आपके पास वाईफाई है ना तो वाईफाई लगा लो तो भाई मस्त चलेगा आपका गेम। यार अगर आपके मोबाइल में ना 500 700 अगर MS अगर आ जाएंगे ना, तो भाई तुम गए हो काम से यार। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें बंदे मार के चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब खड़े होकर देखते रहोगे और बस रोते रहोगे और कुछ नहीं है ना। तो यार पहली बात तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए और इससे आपका MS भी सही हो जाएगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन सही है और MS भी सही आ रहा है, फिर भी आपका गेम जो लैग हो रहा है, तो यार उसके लिए दूसरे कारण है जो कि दूसरा टिप से बताऊंगा, जो कि यार आप क्या करते हो यार, जब गेम खेलते हो ना तब मोबाइल चार्ज में बैठा देते हो। तो यार समझ सकते हो ना चार्ज में बैठने से मोबाइल का हालत क्या होता है, मतलब गर्म हो जाता है मोबाइल, और फिर उसमें अगर आप गेम खेलते हो ना तो और भी हीट हो जाता है। तो हीट होने के कारण में यार आप तो उसमें कपड़े भी सेक सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा फायदा है कि आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग हो जाएगा। तो इससे भी आपका गेम में फ़र्क पड़ता है ना, तो इसलिए आप चार्ज में बैठा के ना ही खेलो तो बेहतर है, क्योंकि यार चार्ज में बैठा खेलोगे तो मोबाइल गर्म होगा ही होगा और आपका गेम भी लैग होगा। और भाई अगर आपके मोबाइल में रैम कम है ना, अगर आपके मोबाइल में प्रोसेसर कम है रैम कम है, तो यार इससे भी जो है आपका गेम लैग हो सकता है, ये नहीं कि स्मूथ चलेगा। अगर आपके मोबाइल में रैम कम है प्रोसेसर कम है, तो सबको पता होगा अगर आप 4GB रैम वाले गेम को खेल रहे हो 2GB रैम वाले फ़ोन में, तो यार इससे लैग होता है मोबाइल। सो यार आप बात करते हैं कि आपके मोबाइल है 8GB रैम वाले, मतलब 100GB रैम वाले मोबाइल है आपके पास और 1000GB का मेमोरी कार्ड है आपके मोबाइल में। सोच लो कि आपने S10 में खेल रहे हो, फिर भी जो आपका फ़ोन है लैग हो रहा है। तो यार इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको करना क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। तो यार आपको ना सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको दिखता है ना एप्लीकेशन मैनेजर, तो ऐप मैनेजर में आपको चले जाना है। और अब जैसे ही आप जाओगे ना तो पबजी को आपको ढूंढ लेना है। जैसे कि आप पबजी को आप ढूंढ लोगे ना, तो मेरा अभी देखता हूँ पबजी किधर है मेरा, अभी देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप पबजी देख लोगे ना, तो इसको आपको क्या करना है, फोर स्टॉप करना है। यहाँ पे देखते हैं ऊपर कॉर्नर में जो आपको दिखता है ना फोर स्टॉप, तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है इसको। और जैसे आप इसको स्टॉप कर दोगे ना, तो आपको जाना है स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाके आपको कर देना है क्लियर कैच। और क्लियर कैच कर दोगे ना, तो याद रहे आपका जो डाटा है वो क्लियर नहीं करना है, नहीं तो आपका गेम उड़ जाएगा ठीक है। मतलब क्लियर कैच डाटा आपको कर देना, जैसे आप क्लियर कैच डाटा कर दोगे ना, तो आपका जो गेम है ना मक्खन की तरह चलेगा, मतलब ये मैं खुद करता हूँ। तो यार अगर आपको ये फेक लगता है ना, तो यार आप एक बार ट्राई करो, देखो बस एक बार ट्राई करो, देखो आपका गेम में कितना फ़र्क आता है, फिर आप समझ जाओगे कि यार बताओगे नहीं यार वो बंदा सही बोल रहा था। तो भाई लोग बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो में कुछ हेल्प मिले ना तो यार आपको पता है आपको क्या करना है, अगर सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके।